हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई वैकेंसी, दैट इज दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन DSSSB की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हालांकि इस वैकेंसी के बारे में आप पहले से जानते हैं, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे जो इस वीडियो के थ्रू हमारा टारगेट है कि इसके जो टेक्निकल पार्ट है उसको हम कितना अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें, उसका सिलेबस किस तरह से हम डिसाइड कर पाए, उसी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए रहेगा, तो हम डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है जूनियर इंजीनियर के लिए से असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका मोड ऑफ सिलेक्शन या एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहेगा, उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं एंड देन फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ टू प्रिपेयर फॉर द टेक्निकल पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखिएगा, यहाँ पे जो वैकेंसी है सबसे पहले दो टाइप की वैकेंसी है, एक JEE की वैकेंसी है, एक IN की वैकेंसी है। JEE की जो वैकेंसी है उसमें टोटल हमारे पास जो है समराइज आप ये वैकेंसी देख रहे हो और टोटल 116 पोस्ट है, 116 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर हमारे पास। उसके बाद IN की जो पोस्ट है हमारे पास 10 पोस्ट देखने को मिलेगी। JEE के लिए अगर आप देखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, तो यहाँ पे डिप्लोमा स्टूडेंट भी एलिजिबल है और एज वेल एज हमारे पास जो डिग्री स्टूडेंट्स है BE/BTECH स्टूडेंट्स या इसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जिनका डिग्री या डिप्लोमा है वो सारे स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे JEE के लिए। और IN के लिए हमारे पास जो हमारे पास BE/BTECH के डिग्री स्टूडेंट्स है वही एलिजिबल रहेंगे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये तो वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, साथ ही साथ हमें एज क्राइटेरिया का भी एलिजिबिलिटी ध्यान रखना है। एज क्राइटेरिया जो है वो 18 टू 30 ईयर की आपकी एज होनी चाहिए फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, और अगर अलग अलग कैटेगरी में STSC में या OBC में तो आपका जो नॉर्मल एक्सटेंशन रहता है वही एप्लीकेबल है हर जगह। लाइक OBC के लिए आपके पास 30 ईयर है तो 3 ईयर्स आपको एक्सटेंशन मिलेगा, 33 ईयर वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। आगे हम बात कर रहे हैं कि इसका जो हमारे पास एग्जाम पैटर्न है समराइज पॉइंट पे, तो वो उसके लिए जो हमारे पास दो स्टेज रहती है, फर्स्ट स्टेज है टीयर वन और सेकंड स्टेज है हमारे पास टीयर टू। टीयर वन जो है उसमें हमारे पास जितने भी मार्क्स आएंगे वो हमारे पास केवल क्वालिफाइंग स्टेज रहेगी, टीयर वन को क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स जो है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, केवल हमारे पास फाइनल सिलेक्शन जो डिसाइड किया जाएगा टीयर टू स्टेज से किया जाएगा, मतलब टीयर वन इज द क्वालिफाइंग स्टेज और टीयर टू आपके पास फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो टीयर टू के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो होगा टीयर वन का एग्जाम होगा। टीयर वन का एग्जाम कब होगा? टीयर वन का एग्जाम होगा आपके पास मार्च से 31 मार्च के बीच में हो सकता है आपके पास। यहाँ पे मार्च 2022 में आपके पास ये एग्जाम हो सकता है। ठीक है, अब इस एग्जाम में जो फर्स्ट टीयर फर्स्ट है इसमें हमारे पास किस तरह से पैटर्न रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, 2 आवर का पेपर होगा, 120 मिनट, दैट मीन्स और साथ ही साथ 200 मार्क्स इसके लिए रहेंगे हमारे पास, 120 मिनट्स, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क अप्लाई किया जाएगा। और अगर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग करते हो तो 1/4 आपके पास क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, और हर एक आपको ये ध्यान देना है कि 20 मार्क्स के हर एक जगह पे 5 सेक्शन होंगे, इसको समझिए जरा प्लीज, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वहां जाते हैं एग्जाम में तब जाके मालूम चलता है। तो टीयर वन में हमारे पास क्या रहेगा, टेक पार्ट भी रहेगा एज वेल एज नॉन टेक पार्ट भी रहेगा। ठीक है, अब टेक पार्ट में भी हमारे पास कितने सेक्शन होंगे, 5 सेक्शन होंगे, और नॉन टेक पार्ट में भी कितने सेक्शन होंगे, 5 सेक्शन होंगे। ठीक है, और सब में हमारे पास हर एक सेक्शन का जो है यहाँ पे सेक्शन स्विचिंग नहीं कर सकते, जैसे हम क्या करते हैं नॉर्मली दूसरे एग्जाम में अप्लाई होता है कि नॉन टेक से टेक में स्विच कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक एट ए टाइम एक सेक्शन कंप्लीट करना है, उसको सबमिट करना है, देन आपको ऑटोमेटिक सेकेंड सेक्शन आपके पास खुल जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से आपको टोटली 2 आवर में 10 सेक्शन कंप्लीट करने हैं, टेक्निकल में भी 5 सेक्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, और नॉन टेक में भी 5 सेक्शन मिलेंगे। ठीक है, तो 2020 के आपको टोटल 10 सेक्शन मिलेंगे 200 मार्क्स के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो टीयर वन एग्जाम हो रहा है उसमें नॉन टेक में कौन कौन से हमारे पास 5 सेक्शन रहेंगे। तो 5 सेक्शन जो नॉन टेक में रहते हैं, जनरल अवेयरनेस दैट मीन्स GK, सेकेंड है हमारे पास रीजनिंग, थर्ड है हमारे पास एप्टीट्यूड, फोर्थ है हिंदी और फिफ्थ है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन।
इन सब के 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 20 मार्क्स ईच अप्लाइड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन बी जो स्टार्ट होगा इसके, वो हमारे पास जो है क्वालिफाइंग ब्रांच है जो आपकी, उसके लिए उससे रिलेटेड रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो उनका वही जो हमारे पास कोर के सब्जेक्ट रहते हैं वही यहाँ पर आपके एग्जाम में रहेंगे। अब यही तो डिसाइड करना है हमें कि वो सब्जेक्ट कौन से रहेंगे जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर अप्लाई होंगे, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर आप डिटेल से देखना चाहते हो कि जनरल अवेयरनेस में आपके पास कौन से टॉपिक्स रहेंगे, इंटेलिजेंस या रीजनिंग में आपके पास कौन से टॉपिक रहेंगे, क्वांट में आपके पास कौन से टॉपिक रहेंगे, तो आप यहाँ से समरी फॉर्म में या फिर स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो। हमारा जो मेन टारगेट था इस वीडियो का वो है हाउ टू प्रिपेयर टेक्निकल फॉर द टीयर वन एंड टीयर टू एग्जाम। बस इसमें ये ध्यान रखना है हमारे पास टीयर वन या टीयर टू एग्जाम में सिर्फ हमारे पास इतना फर्क होगा कि टीयर टू जो है स्लाइटली टफ होगा टीयर वन से। टीयर वन हमारे पास जो है क्वालिफाइंग का रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास जो है कैसे प्रिपेयर किया जाए, अगर आप जो है यहाँ पे दो पॉइंट है, एक तो हमारे पास जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है जेएन के लिए और दूसरी पोस्ट है हमारे पास असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। तो हम दोनों के लिए डिस्कस करेंगे कि हम इनमें से कौन से सब्जेक्ट हम प्रिपेयर करें। तो यहाँ पर जेएन के लिए आपको जो सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर्किट, सर्किट या नेटवर्क एनालिसिस सबसे पहला सब्जेक्ट। देन आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास रहेगा मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन। थर्ड आपके पास रहेगा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन या फिर बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल। फोर्थ आपके पास रहेगा पावर सिस्टम। फिफ्थ रहेगा आपके पास मेजरमेंट एंड एट द लास्ट ईएमएफटी। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं आपके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ठीक है। ये छह सब्जेक्ट ही करने हैं जेएन स्टूडेंट्स को, ये छह सब्जेक्ट करने हैं बाकी नहीं करने हैं, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो यहां पर हमारे पास जो है किस तरह से हमें इन सारे सब्जेक्ट को कवर करना है। सर्किट में आपको जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छा होना जरूरी है। आपके पास जो है नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस एज वेल एज आपके पास जितने भी थ्योरम्स के क्वेश्चंस बनते हैं या फिर आपके पास रेजोनेंस के क्वेश्चंस बनते हैं उनका न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। सर्किट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर आपको, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस के हिसाब से आपको हायर ऑर्डर नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा आपको सर्किट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको मशीन के क्वेश्चन, फिर उसके बाद बेसिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मशीन्स में भी आपको ये ध्यान देना है कि ये क्वालिफाइंग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी को ध्यान दो, केवल थ्योरेटिकल को ध्यान दीजिए, ऐसा मत करना। हियर इन केस ऑफ टीयर वन एंड टीयर टू बोथ थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल स्किप कर दो, मशीन में भी हमारे पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ आपका होना अच्छा जरूरी है। उसके बाद बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल से। अब बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या होता है, जैसे सर्किट का बेसिक्स हमारे पास क्या होगा, सर्किट का बेसिक होगा कि जैसे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट लंप पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, इनकी हमारे पास डेफिनेशन वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स ये बेसिक्स की जो डेफिनेशन है हमारे पास टर्मिनोलॉजी होती है वेरियस उसके बारे में, मैग्नेटिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिफरेंस, मैग्नेटिक सर्किट में हमारे पास इंडक्टेंस या कोयल या फिर हमारे पास टोरॉइड कोयल होती है उसके रिगार्डिंग हमारे पास बेसिक्स से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये हमारे पास बेसिक्स में क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बेसिक्स में आपके पास ईएमएफटी का पार्ट आता है, ईएमएफटी में बेसिक्स में आपको क्या रीड करना है, जैसे चार्जेस होते हैं, जैसे 11 12th में हम पढ़ते हैं कि चार्ज में हमारे पास पॉइंट चार्जेस है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनेंगे, कैपेसिटेंस है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनेंगे। तो बेसिक्स में आपको ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बेसिक्स ऑफ मशीन्स भी इसी के साथ ऐड हो जाता है, लाइक हमारे पास बीएच कर्व है, मैग्नेटिक कर्व है, रिलक्टेंस क्या होता है, ससेप्टेंस क्या होता है, इस तरह से आपके पास बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे आपके पास। उसके बाद पावर सिस्टम में भी हमें ध्यान देना है थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल एबिलिटी। पावर सिस्टम में हमें पावर सिस्टम के पार्ट तो करना ही है एज वेल एज यूटिलाइजेशन का भी कुछ पार्ट होता है। यूटिलाइजेशन में इल्यूमिनेशन के क्वेश्चन मोस्टली इसमें पूछे जाते हैं DSSB में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यूटिलाइजेशन पूरा नहीं करना है, यू हैव टू कवर ओनली इल्यूमिनेशन पार्ट, ठीक है। इल्यूमिनेशन के न्यूमेरिकल जरूरी स्पेसिफिकली देख लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद आपके पास मेजरमेंट, मेजरमेंट में आपके पास जो मेजरमेंट के मेथड्स हैं रेजिस्टेंस मेजरमेंट मेथड
या फिर आपके पास इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस मेजरमेंट मेथड, पावर मेजरमेंट, एनर्जी मेजरमेंट, इन सभी के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभार ट्रांसड्यूसर के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चन मोस्टली जो है IN के केस में बनते हैं हमारे पास। और EMFT में आपको सारा EMFT नहीं पढ़ना है, ओनली द बेसिक्स ऑफ EMFT, दैट मीन्स आपको पढ़ना है कर्ल, डाइवर्जेंस और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, हमारे पास वेरियस जो थ्योरम्स है या मैक्सिमल की जो इक्वेशंस है, केवल उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको EMFT में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये सब्जेक्ट हमारे पास JN के लिए प्रिपेयर करने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद IN में क्या हो जाता है, ये सब्जेक्ट तो प्रिपेयर करने ही, IN में हमारे पास ये 6 सब्जेक्ट तो रहेंगे जो रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे जो है थोड़ा सा IN में लेवल एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा आपके पास। यहाँ पे एडिशनली आपको कंट्रोल सिस्टम भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, सिग्नल सिस्टम भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज माइक्रोप्रोसेसर की प्रोग्रामिंग तक भी पूछी जाती है। यहाँ पे न्यूमेरिकल जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा दिया जाता है। तो सीधी सी बात है, DSSP में आपके पास टाइमिंग कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होता है, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होते हैं। तो आपको जो है कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट करो तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है किसी भी क्वेश्चन पे अटके हुए रहना है, जस्ट सिंपली अ सीधा क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ देन अटेंड, अदरवाइज स्किप दैट। यही हमारे पास जो है फास्ट क्वेश्चन करने का तरीका है। और DSSP में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो हमेशा कोशिश करिएगा टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो कि आप जो है 60 मिनट में क्या 100 क्वेश्चन कर सकते हो, इस तरह से आप जो है टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, इससे आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ट्राई करो कि टाइमर लगा के टाइम प्रैक्टिस करती हो ना, तो कोई भी क्वेश्चन जो है जो आपके पास ऐसा लगता है कि ये लेंथी है या फिर हमें इसमें टाइम लगेगा, तो उसको स्किप करो। पहले जो है आपके पास आउट ऑफ एक घंटे में मान लीजिए 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखो कि हमारे पास जो इजी क्वेश्चन है आउट ऑफ 100 में, जैसे मान लीजिए 75 क्वेश्चन हो गए आपसे इजी क्वेश्चन, अब 25 जो क्वेश्चन बचे रिमेनिंग टाइम में करो। जैसे 60 मिनट में से 50 मिनट में आपके पास 75 क्वेश्चन हो गए और अब हमारे पास जो है 10 मिनट है, तो 10 मिनट में आपको 25 क्वेश्चंस को ये देखना है कि इसमें से भी हम जो है ज़्यादा जल्दी कौन से कर सकते हैं। तो टू राउंड सिस्टम आपको हमेशा अप्लाई करना है। तो ये भी कुछ छोटी छोटी बातें होती है जो मैटर करती है आपकी प्रिपरेशन के लिए, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हालांकि हमारे पास JN की पोस्ट बहुत ज़्यादा है, 116 पोस्ट है, तो आप अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और IN के लिए भी हमारे पास 10 पोस्ट है, तो अगर आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, पोटेंशियल है आप में, अगर आप फील करते हो कि यू हैव बेस्ट पोटेंशियल टू क्रैक दिस एग्जाम, तो जरूर इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमारी हेल्प ले, जैसे मान लीजिए कि ऐसा मन में आ ही जाए कि हमें तो ये तो सर कुछ भी करो हमें तो ये क्रैक करना ही है, तो अगर फिर आपको हेल्प चाहिए तो हमारी ऐप जो है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक है, उससे हमारी ऐप डाउनलोड करिए और उस ऐप लिंक में आपको DSSP के लिए कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स को ज्वाइन करके आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हो और साथ ही साथ जो है इस तरह से प्रिपेयर करो कि आपको जो है टॉप 10 में आना है, ठीक है। इस तरह से ही प्रिपेयर करिए हमेशा जिंदगी में, ठीक है, बिकॉज देयर इज वेरी कॉम्पिटिटिव सिनेरियो इन दिस प्रेजेंट टाइम। तो आपको जो है हमेशा इस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है। आगे हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो अप्लाई ऑनलाइन का जो लास्ट डेट है वो 9th February रहेगा। तो हमेशा कोशिश करिए कि जो फॉर्म है लास्ट डेट तक नहीं वेट किया करो, टाइम पे भर दिया करो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है। और आपका एग्जाम डेट जो है March 2022 में हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट है और आई होप कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ वी ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।